पूरे देश में हम लोग समता मूलक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है, एक धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। ये सर्व समाज की पार्टी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऐसे जो संत गुरु और महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश में समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने की कोशिश की, तो मेरी चार रही सरकारों में, मैंने अपनी चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर्श सम्मान में, तो दिल्ली के नजदीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियां आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। अब तो जब आगे सरकार बनेगी केवल उनके रखरखाव का ध्यान रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आगे पांचवी बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए, बच्चा बच्चा ये कहे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दिया है, तो मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगेगी। लेकिन यहाँ मैं सभी धर्मों के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि कुछ धर्म के लोग ये चाहते हैं कि उनके भी संतों गुरुओं को आदर सम्मान मिले, तो उनको भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासी समाज में जो संत गुरु महापुरुष हुए हैं उनको तो मैंने आदर सम्मान देकर अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन इसके अलावा अन्य वर्गों में से जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे संतों गुरु और महापुरुषों का भी आदर सम्मान किया जाए, तो उनकी धार्मिक भावनाओं का खास तौर से हम लोग सम्मान करते हुए उनको भी पूरा पूरा आदर सम्मान दिया जाए, ये भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब मैं अंत में आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए खास तौर से जो हमारे संत गुरु और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को, इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने लगा दी, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनको मैं नमन करते हुए अब आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। हम जो है लखनऊ में पहुँचे हैं। लखनऊ में आज बहन मायावती का एक कार्यक्रम था, विचार संगोष्ठी जय परशुराम जय भीम करके। हम आप बात करेंगे, हमारे साथ में बहुत लोग उपस्थित हैं ब्राह्मण समाज से। आपको क्या लगता है बहन जी की अभी जो विचार संगोष्ठी की हैं उस पर क्या विचार है आपका? वो 100% सफल है और लगता है कि मिशन जो है आगे बढ़ रहा है, वह 2022 में सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या लगता है आपको कितने सीटों पर आप लोग विजयी करेंगे? हमें आशा है पूर्ण बहुमत है, ये मान के चलिए 250 से ऊपर जा सकती है सीट। मेरा नाम है एडवोकेट मीरा भारती है, मैं वर्तमान में बसपा से जिला पंचायत सदस्य हूँ और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ और मैं बसपा के लिए काम करती हूँ, और क्योंकि बसपा को हमें आगे बढ़ाना है और सरकार भी अपनी बनाना है, इसलिए मैं यहाँ आज लखनऊ में आई हूँ। आपको क्या लगता है कितने सीटों पे जीत होगी?
अब तो अभी तो नहीं कहा जा सकता, अभी तो ये लगता है कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें गांव-गांव में संगठन खड़ी करने की ज़रूरत है, बूथ स्तर पर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हवाई में फायर करने से मतलब कोई नहीं है। जिस तरह से यहाँ सर्व समाज जुड़ रहा है, सर्व समाज का जोश दिख कर ये लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से सर्व समाज जुड़ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जब मैं मतलब यहाँ पे कार्यक्रम में आई तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सर्व समाज जुड़ रहा है, और जब तक सर्व समाज नहीं जुड़ेगा तब तक सरकार बड़ा मुश्किल है, जब सर्व समाज जुड़ेगा तभी सरकार संभव है आना। जिस तरह से मानवर कांशीराम साहब का जो एजेंडा था 1585 का, उस पर क्या रहा? और पहले की तो देखे उनका तो पहले 1585 का जो मोमेंट था वो तो परिवर्तन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरकार लाना है तो परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है। वहीं अपने ही समाज से एक पार्टी और निकल कर आ रही है, आजाद समाज पार्टी, उस पर क्या राय है? देखिए आजाद समाज पार्टी वो भी कैडर में ही काम कर रहे हैं, हमें किसी का विरोध नहीं करना है। कांशीराम साहब और हमारे महापुरुष कह गए थे कि किसी का विरोध न करके हमें अपने काम में अडिग रहना है, हमें काम करना है और समाज को, बहुजन समाज को जगाना है। वहीं जो है दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बड़े बोर्डों में 350 पार का दावा कर रही है। देखिए वो तो दिखावा करती है, कागजों में दिखावा, इतना ये करेंगे वो करेंगे, तो पर कुछ जमीनी स्तर पर कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो उनका दिखावा है, दिखावा कर रही है, पता नहीं क्या होगा। अब यही देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, पर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं अपने उत्तर प्रदेश में, पर इनका दिखावा हर जगह है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कार्यक्रम में क्या सीख मिली आपको? जी निश्चित रूप से कार्यक्रम में आने से हम लोग को बहुत सीख मिली है। जैसे आज हमने देखा प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग और साथ में तमाम जाति या समाज के लोग उपस्थित थे, और बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग उपस्थित थे, और यहाँ से एक आगाज़ भी होता है कि निश्चित रूप से सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना दायित्व निभाएगी। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार भास्कर है और मैं आभास महासंघ से मंडल प्रभारी चित्रकूट से हूँ। जिस तरह से यहाँ सर्व समाज जुड़ रहा है जी, क्या लगता है आपको उसको देख? देखिए एक उत्तर प्रदेश में 2022 में आने वाला महापरिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। जिस तरह से यहाँ पे जय परशुराम और जय भीम का नारा लगाया जा रहा है, कहाँ तक सही लगता है? देखिए मैं इसको तो राजनीतिक फंडा लेवल से समझता हूँ, और निश्चित तौर पर बहुजन समाज एक अपने विचारधारा पर अडिग है, लेकिन हमें राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए सर्व समाज का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे साथ में और भी युवा जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर। पहले तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं लोनी विधानसभा जिला गाजियाबाद से हूँ। मैं आज यहाँ पर लखनऊ आया, बहुत अच्छा लगा मुझे आकर यहाँ पर। प्रबुद्ध वर्ग जो महासम्मेलन का समापन था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय बहन जी थी, तो आज माननीय आदरणीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी का भी आशीर्वाद हुआ और उनका मार्गदर्शक हुआ, काफ़ी सीख मिली उनसे। जो बहन जी का ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी जो है बहन जी ने जो उद्देश्य दिया उसी के साथ यहाँ पर पूरे प्रदेश में काम होगा। सभी समाज को पहले जैसे सम्मान मिलता है बहुजन समाज पार्टी में, अब भी आगे भी ऐसे ही सम्मान मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो बहुजन समाज के जो युवा वर्ग है वो चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए वो जो हैं लोग, उन्हें भी थोड़ा उन्हें समझाना पड़ेगा, अशिक्षित लोग हैं वो लोग, थोड़ा भटके हुए हैं। एक चीज़ बताइए आप मुझे, जो हमारा पुराना घर मजबूत होगा या नया घर होगा, जिसमें हम काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो वो हमारा घर अच्छा है या नया घर अच्छा होगा? तो लोग थोड़ा भटक चुके हैं। हमारा जो पुराना घर है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नींव बहुत मजबूत है, वो बहुत परिवारों को उसमें रख सकती है। तो उन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा जो युवा भटक रहे हैं, हमारा सिर्फ उद्धार बहुजन समाज पार्टी में हुआ है और इसी पार्टी में होगा, क्योंकि ये मान्यवर, ये हमारे महापुरुषों की कड़ी मेहनत की पार्टी है, जो कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 में बनाई थी।